गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह जल्दी उठ गए हैं हम क्योंकि आज है करवा चौथ और हमने डिसाइड किया था कि आज हम अच्छे से सफाई करेंगे घर की। और मुझे बाहर से शोर आ रहा है तो लगता है मेरी बीवी सुबह सुबह आज सफाइयां लग गई है करने की। तो चलते बात देखते क्या कर रही है। क्या हो रहा है? सुबह सुबह उठ गई। सुबह सुबह तो मैं आपको क्या बताऊँ ना, आपको पता है मैंने अच्छी खासी सोई हुई थी। रजत 3:30 बजे से मुझे उठा रहा है, नैना उठ जा सर की खा ले। मैंने अलार्म रखा था। मैं कह रही हूँ मुझे भूख नहीं है रजत, प्लीज सोने दो लगा रजत मुझे उठाने के लिए। पर तुमने खाई क्यों नहीं? अरे मुझे नहीं खानी थी, मेरे को ऐसे ठीक था तो मुझे नहीं खानी थी। मैं रात से रजत को मना कर रही थी मुझे नहीं खानी, फिर भी रजत ने मुझे उठाया। तो तुम कौन सा उठी गई थी? तो नींद तो फिर भी डिस्टर्ब हुई ना। हाँ क्या साफ सुथरा किया इसने आज, सब ये करना जरूरी था। बिकॉज जिस दिन त्योहार होता है ना उस दिन कहते हैं कि भगवान आपके घर आते हैं, तो इसलिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई करने के लिए उठ गए। हाय हाय, इतनी अच्छी समझ वाली लड़की। हाँ तो अब तुम भी फटाफट से रेडी हो जाओ। हाँ, तो काम हो ही जाए। मार्केट जाना और तुम्हारे हाथों में जो मेहंदी नहीं लगा पाया ना, मैं उसका रिग्रेट मुझे अभी तक है। मैं बात नहीं, तो वो तो मेरे पास की कोई मैं लगा लूंगी। नहीं नहीं, अभी जाएंगे ना हम मार्केट, जाएंगे मार्केट में। तुम्हें पता कब अच्छी जाऊंगी। हाँ हाँ वहीं लगाएंगे। तो अच्छी मेहंदी लगानी है। आज तो हर चीज में तुम्हारे हिसाब से करूंगा जैसे तुम बोलोगी। और भी बहुत सारे काम है नैना, तुम्हारे ड्रेस तक ऑल्ट्रेशन को नहीं दिए तुमने। चुप रह यार, मैं इसे कितना बोल रहा हूँ कि आज काम मत करो, आज रेस्ट करो क्योंकि फास्ट वाले दिन वैसे ही कुछ खाया नहीं होता तो थकान हो जाती है थोड़ा बहुत काम करके। बट मान नहीं रही है। कल हम मेहंदी लगवाने नहीं ले जा पाए नैना की क्योंकि हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल और इसी कारण ना मैं कुछ गिफ्ट भी नहीं ले पाया और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बट मैंने कुछ सोच रखा है नैना को स्पेशल फील कराने के लिए, जो कि आई एम श्योर उसको पसंद आएगा। ब्लॉग के एंड तक आप देखो कि मैंने क्या किया है। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस रखना जरूरी होता है। मुझे ना आज ही सुबह एक DM आया था कि कोर्स पे वेबिनार कब डाल रहे, क्योंकि हमने कहा था कि हम वेबिनार डालेंगे। तो हम बहुत जल्दी वेबिनार करने वाले, मतलब आने वाले दिनों में ही। और दूसरा ये भी था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि यार प्राइस कुछ ज्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट हम कोर्स लेना चाहते हैं। तो हमने प्राइस ड्रॉप किया है, हमने टीम से बात करी तो हमने प्राइस ड्रॉप किया है 72 आवर्स के लिए। अगर आप अभी जाके, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको 799 में हमारा कोर्स मिलेगा। ये ऑफर 72 आवर्स तक है तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और हम बहुत जल्दी अभी वेबिनार भी करने वाले हैं, उसका अपडेट हम आपको यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे दे देंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और अभी चलते हैं नैना को मेहंदी लगवाने, उसके बाद जो मैंने सोचा है वो भी करना है शाम को। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि जो भी कपल्स है उनके बीच प्यार बना रहे और वो एकदम लाइफ लॉन्ग एक दूसरे के साथ रहे। ऐसे देखो थोड़ी बहुत तो मैं तैयार होना शुरू हो ही गई हूँ, बट अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है, मंदिर भी जाना है और थोड़े थोड़े अपने काम करना है। और अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। वैसे तो जब मेरे कजन की शादी थी उस टाइम की मेहंदी हल्की हल्की सी बची है, बट क्योंकि ये करवा चौथ है मुझे मेहंदी फिर से लगानी है। तो आ जाओ चलते हैं फटाफट से। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने करवा चौथ की शॉपिंग तो कर ली थी, बट जो चीज मैंने ली थी ना उसका ऑल्ट्रेशन नहीं करवा पाई थी मैं। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे, मैं ऑल्ट्रेशन के लिए वो अपने कपड़े दूंगी और उसके बाद मार्केट जाना है क्योंकि सुहागी में मेरे 1-2 चीजें मिसिंग है, तो मुझे सुहागी का सामान भी लेना है। और इस बारी मैं ऑफकोर्स व्रत रख रही हूँ, मेरा पहला करवा चौथ है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है मुझे अंदर से कि मैंने व्रत रखा है रजत के लिए, वो भी अपनी लाइफ का पहला व्रत, पहला करवा चौथ। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है। और वैसे भी मेरा ये मानना है चलो एक दिन हम व्रत रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक तरह का क्या मैं बोलूँ डेडिकेशन दिखा रहे हैं, अपनी तपस्या दिखा रहे हैं अपने रिलेशन के प्रति। बट जो लोग नहीं भी रख पाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि उनके मन में नहीं है, ये सब कुछ उनके मन में भी होता है। मेरा ये मानना है कि आगे पीछे भी हम अपने रिलेशन में अच्छे से रहे ना तो वो सबसे बेस्ट रहता है। क्यों पति देव? सो यस, फिलहाल हम पहुंचने वाले जहाँ पे मुझे अपना सामान देना है ऑल्ट्रेशन के लिए। फिर मैं आती हूँ 2 मिनट में। एक तो शिमला में इतना चलना पड़ता है, ऊपर से जैसे ऊपर यहाँ हम पहुँचे एक खाने की खुशबू आ रही है, कुलचे की, कोई आइसक्रीम खाता हुआ जा रहा है। इसलिए मैंने काला चश्मा पहन लिया ताकि मुझे कुछ न दिखे और सामने देख के चलूं। सो अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी मेहंदी लगाने के लिए। और रजत तुमको जो मैंने लिस्ट दिया तुम वो सामान लेने जाओगे। हम काम इसलिए इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज मुझे घर टाइम से पहुँचना है, घर पहुँच के कथा पढ़नी होती है करवा चौथ की, तो वो करूँगी। और ये तुम तो जाओ, ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँगी ऊपर ऊपर, यहाँ से भी और ऊपर जाना है मुझे। ओके बाय, सी यू सून। सारा सामान लेके आना, देखो वो व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। मुझे ना यही डाउट था कि यहाँ पे ज़्यादा रश ना हो, एंड लकीली मैं ऐसे टाइम पे पहुँची, यहाँ रश नहीं है, तो मैं फटाफट से जाती हूँ और मेहंदी लगवाती हूँ। जो सामान नैना ने बोला था लाने के लिए वो मुझे नहीं मिला अभी, और नैना की मेहंदी भी लगी रही होगी, तो मैं सोच रहा हूँ उसी के पास चलते हैं, उसके बाद साथ में सामान लेंगे, बिकॉज अभी जहाँ मैंने देखा है वहाँ तो नहीं मिला, तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो साथ में जाएंगे। वैसे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं कि नैना अभी कहाँ होगी, बट मैं गेस कर रहा हूँ कि जहाँ यूजुअली वो मेहंदी लगवाती है वहीं होगी, तो वहीं चलते हैं। हाँ जी, कुछ नहीं मिला सामान, आई स्वेयर, उसके लिए दूर जाना पड़ेगा, मैंने सोचा साथ में चलेंगे। ये कारीगरी देख रहे हो? हाँ वो तो मैंने देखी है भैया, बहुत अच्छी लगा मैंने। साइड देखो थीम वाली लग रही है। अच्छा भैया पता क्या कह रहे थे, जैसी मैं आई तो कहते जब आपने सावन वाली वीडियो डाली थी ना अपनी, तो बहुत कस्टमर्स आए थे हमारे पास, उन लोगों ने पूछा। हाँ अच्छा, वो लोगों की लगाती ये पता कहीं नहीं लगाती, मैं कल से कह रहा हूँ लगा ले भाई वहाँ रश होगा, कहती नहीं वहीं जाऊँगी। तो भैया आपको पता है आज व्रत भी है मेरा, पर फिर भी टका बेंच की चढ़ाई चढ़ के पहुंची यहाँ तक तो लगवानी है, तो आपसे ही। तुमने मेरा नाम भी लिखवाया? मैंने बस भैया को ये कहा था भैया मैंने नाम भी लिखना है, अब हम इतनी बार यहाँ आ चुके हैं कि भैया का नाम याद है मेरा। सच में गलती लिख देते राहुल या रमन, रमेश या सुरेश या मुकेश। बड़ा शौक हो रहा है तुम्हें, लिखा दूं 5 उंगलियां 5 रुपए अलग अलग नाम। ओह नो रजत, फोन आ रहा है, बात कर लो प्लीज। प्लीज याद कर, सुनो धूप तो ढल गई है, मेरे सिर से चश्मा निकाल दो यार प्लीज। तुमने आज पूरे फायदे उठाने हैं। खींचो जोर से, इतनी देर से हवा चल रही है, मेरे मुँह में बाल घुस गए थे। अच्छा तुम मतलब फुल करवा चौथ मना रही हो? क्या करूं, हवा चले जा रही है, मैं देख रही हूँ कहाँ है, भैया से पूछ रही हूँ कहाँ गए हो, बोलते वो साइड में चले गए फोन पे बात। अरे मुझे कॉल आ गई थी एक इम्पोर्टेंट। वाह एक हाथ तो होने वाला है भैया, ये तो बात है, आपका मुकाबला नहीं है कोई। तो ये है टका बेंच, और अगर आप भी शिमला हो तो ये रिज के साथ ही है, और रिज के एकदम हाँ बंदर, छोटा बंदर। उस ये मैं क्या ले गया, यहाँ जैसे आया था बिल्कुल। ओ भाई फिर से आ रहा है, ओए ओए चल परे। इसको भी मेहंदी लगा दी, करवा चौथ मना रहे फाइनली। वाह फाइनली बहुत सुंदर है, बहुत लग रही। नहीं ये एकदम थीम वाली बनाई है, यहाँ पे चांद है, दिया है, करवा है, सुहागन है, छन्नी है, और ये सारे दिए बनाए हैं यहाँ पे। एंड यस शुभ तो होना ही चाहिए, गणपति जी, मेगाड़ा, अगेन एलिफेंट, और कुछ शहनाई नीचे बज रही है। हाँ। यहाँ पे भी बज रही है। सुनो ना वहाँ तक आगे तक चलते कितनी अच्छी आवाज आ रही है। हाँ म्यूजिक सा सुन रहा है कुछ इतना बड़ा शहनाई जैसा, देखते क्या है। रश देखो, कुछ पहाड़ी फंक्शन हो रहा है, रश बहुत ज्यादा है, देखो आगे। जलेबी बन रही है, ये भी करवानी है डिनर को। से तोड़ूंगी। आ जाने ना जल्दी, लिफ्ट आई है। वाह जब लिफ्ट में हम ही होते ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी महारत हासिल कर दी हमने। सब मेरे घुसिए। थैंक यू। ये तो देखो तुम अपनी गाड़ी को बचा रहे हो कि गंदी ना हो। यू आर सेविंग योर गाड़ी फ्रॉम योर लाड़ी। सीट बेल्ट प्लीज। ये क्या किया, गिरा दिया खुद पे, गलती हो गई सर। खोलो वरना सारे में झड़ेगा। ओए यू आर फ्री, ये खोलो। चलो फोन उठाओगे। तो अभी घर पहुंच चुके हैं हम, और रात भी हो चुकी है, नैना की मेहंदी भी सूख चुकी है, और रात हो गई है, चांद की सिर्फ टाइम आने वाला है। तो मैंने सोचा मैं आज खाना बनाऊंगा अच्छा अच्छा नैना के लिए, तो मैं खाना बनाऊंगा। और ये रेडी हो गया, अभी तक ये रेडी भी नहीं हुई बिकॉज इसने सूट ऑल्टरेशन को दिया था जो अभी हम लेते आए हैं साथ में। तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं रेडी होती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, और जब तक मैं पूरी रेडी नहीं होती हूँ ना तब तक तुम अंदर नहीं आओगे, मैं खुद बाहर आऊँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी बन रहा है प्रसाद। नैना हो गई है रेडी और प्रसाद भी रेडी है, पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया। पूजा यहाँ हो चुकी है। तुम भी अपनी शक्ल सुधार लो थोड़ी सी रजत। मैं अभी तक खाना बना रहा था एक्चुअली। मैंने सोचा था कि नैना को सरप्राइज करूंगा जब तक ये रेडी होकर आएगी, यहाँ खाना सजा दूंगा। आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे। oh और इसलिए कैंडल्स लेके आए। हाँ wow, तो बट खाना तो रेडी हो चुका है और नैना ने प्रसाद बना दिया है, पूजा कर दी है और अब निकलते हैं। जब मैं सोचू पूजा की थाली में जलेबी भी रख लेती है ना। हाँ रख लो, तुमको आज जलेबी खानी ही खानी है। जलेबी दिख रही है मुझे। बट रजत तुम भी रेडी हो जाओ जल्दी से प्लीज। क्या रेडी हूँ मैं? कुछ कुर्ता पजामा पहन लो, कुछ तो मतलब थोड़ा तो एक दो फोटो साथ में लेके लगना चाहिए। हस्बैंड वाइफ है। हमको बिल्कुल टाइम नहीं लगा यार आज कोई रील बनाने की। अभी देखते हैं। चलो मैं भी रेडी होकर आता हूँ, थोड़ा भूलिया सुधारता हूँ और फिर चलते हैं नैना का व्रत खोलने और चांद को देखने। क्या हुआ? इसकी जलेबी रह गई। मैं क्या करूँ नैना, मैंने करके किया ऑर्डर तो तुमने किया था ना। तो रजत लेने तो तुम गए ना सामान। तुम मेरे सामने तो भैया ने पैकेट रख दिया। भैया ने पैकेट रख दिया। लोग पटाखे भी लग गए फोड़ने। यहाँ चांद नहीं आया है, हमको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। मैं कह रही थी नहीं यहाँ पे मुश्किल ही है। मॉल रोड साइड आता है दिन को। नहीं उस तरफ भी आएगा, उधर को चलता है। 9:30 से भी ऊपर हो गया, 5-10 होने को आएगा। चलो 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 मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और रेडी नहीं, तुम इतने ज्यादा रेडी हो चुके हो ना कि मैं फीकी लग रही हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि कॉम्बिनेशन में है। पहले मैं ब्लू पहन रहा था बट ब्लू मुझे लगा इसके साथ नहीं जाएगा। पत्नी से कॉम्बिनेशन में तो होना ही पड़ेगा। गिर जाएगा मेरे सिर से। मुश्किल से टांगा है मैंने। बट ये कलर नैना ने मेरी पसंद का लिया है और मुझे बहुत पसंद आया। सूट भी पतिदेव द्वारा ही है क्योंकि रजत को ऐसे कलर्स पसंद आते हैं मुझ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए तो ऑफकोर्स सूट भी तुम्हारी चॉइस का पहन लेती हूँ। और वैसे जो मैंने सिर पे आज चुन्नी लिया वो इसलिए लिया क्योंकि मेरे ससुराल साइड ये कल्चर है कि चुन्नी सिर पे लेते हैं, इसलिए मैंने सिर पे लिया। बड़ी समझदार बहू। आयरिश मम्मी भी होते हैं यहाँ पे। हाँ यार मम्मी का फोन भी आया था अभी। हाँ। तो मम्मी कह रहे थे कि आज हम साथ में होते हैं। तुमको अभी आया ना? मुझे मम्मी ने सुबह सुबह फोन कर दिया था करवा चौथ विश करने के लिए बट ऑफकोर्स ड्यू टू सम रीजन वो नहीं आ पाए। बट होपफुली हम दिवाली पे सब साथ हो गए। होपफुली नहीं पक्का होंगे। और नैना की मेहंदी भी चढ़ चुकी है। अब चलते हैं जल्दी से। और पर ये चढ़ी नहीं है, ये बिल्कुल ब्राउन होनी चाहिए, ऑरेंज है। मतलब ये तो अभी लगाई है ना, कल को मेहंदी। तो तुम्हारी बारी है फिर। सब रेडी है, पूजा की थाली है, धूप है और प्रसाद पानी और हम दो। अभी हम निकले हैं चांद की खोज में। एक स्ट्रीट लाइट थी, मुझे लगा सामने कि वो चांद है। रजत कहते नहीं नहीं वो तो स्ट्रीट लाइट है। और रजत कह रहा तुम पहले चांद देखोगे पहले। हाँ। मैं देखूंगा। मैं चलो ठीक है तुम देखो, इसलिए मैं इसी साइड को मुड़ी। उस साइड मुड़ के ज्यादा बातें भी नहीं कर रही हूँ। तुम पूजा के टाइम देखोगी, मैं तुमको बता दूंगा जब चांद दिखेगा। अब दिखने वाला है, मत देखना उधर को। ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता था। ऐसा होता है हमारे तो होता है ऐसा। हाँ चलो होता है। चांद पूजा के टाइम देखते हैं एक ही साथ। ठीक है मैं नीचे झुकी हूँ तो मुझसे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी आपसे। नहीं अभी नहीं दिख रहा है, तुम बात कर सकती हो। अच्छा नहीं फिर नहीं, चांद दिख ही नहीं रहा है इनफैक्ट। चांद कहाँ हो तुम? यहाँ हो। चांद दिख चुका है ये नहीं आगे बट बेचारी सिर नीचे झुका के पूछ रही है। प्रॉपर दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ तो अब तुमने रूल्स बना दिए तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। और पता है हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, हम सही आ गए। अभी आज चांद ने हमें खूब घुमाया। मुझे तो देखो 10 बजे दिख रहा है चांद। आप लोगों को कितने बजे दिखा चांद? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहेगी ये देखने की। और अब जब चांद नजर आ ही गया है तो हमने अपने रिचुअल के हिसाब से पूजा की और अपना व्रत खोला। वैसे कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत बहुत मुश्किल होता है, सच कहूँ तो मुझे उतना मुश्किल नहीं लगा और सुखी सुखी मेरा देखो व्रत भी हो गया। अब आप देख रहे होगे कि मैं रजत को भी पानी पिला रही हूँ क्योंकि आज रजत का भी था। So guys, इसी के साथ सकुशल हमारा व्रत संपन्न हुआ। और हमारा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे डियर हस्बैंड का भी व्रत था। रजत को ये था कि अगर तू फास्ट रखेगी तो सामने बैठ के मैं तो खा नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा मैं भी फास्ट रख लेता हूँ। तो फिर मैंने तो रजत को बहुत मना किया था। अब देखो रजत की स्पीड खाने की। मैंने नमक चेक करा भी बनाते वक्त मैं देख नहीं पाया था। हाँ और आपको पता है जब सुबह ना इसके रजत के घर से कॉल आया तो वो पूछते ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं अभी नहीं, अभी करूंगा। मतलब रजत को था तो था कि मुझे फास्ट रखना है पर वो बता भी नहीं रहा था किसी से कि उसने फास्ट रखा है। और देखो फास्ट बेशक हम दोनों का था बट खाना रजत ने ही बनाया सारा। मैंने बिल्कुल तुमने बाकी इतने काम किए हैं। नहीं नहीं और तुम रोज खाना खिलाती हो, मैं एक दिन अगर बना के खिला दूंगा अपनी बीवी को जो बेचारी मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है। तो उसके लिए मैं एक दिन तो कष्ट कर ही सकता हूँ। वाह वाह वाह, नजर ना लगे, ऐसा पति सबको मिले। बस बस अभी पता है ना 2 मिनट बाद लड़ेंगे जब। फिर कहूंगी ऐसा पति किसी ना मिले। वाह रजत मान गई, पूरा फील है आज। अब बैठो अच्छा जी। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा आज का मेन्यू क्या है। मटर राइस, दाल मखनी एंड कद्दू स्पेशल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज कद्दू क्यों बनाया। एक्चुअली कद्दू ना मेरे ससुराल की स्पेशलिटी है। जैसे मेरे गांव में मम्मी वाले घर पे सिड्डू बनते हैं ना, वैसे ही यहाँ ससुराल वाले गांव में ये है कि कद्दू बनता है जब कोई बहुत खास चीज होती है। और रजत को ये है कि इनके घर पे ना बचपन से यही सब बनता था, तो रजत को ये था कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से बना के ये खिलाना था। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं आपको ना वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी, एक सुकून सा महसूस हो रहा है। बड़ी अच्छी फीलिंग है यार ये। आज हम कैंडल लाइट डिनर ऐसे करेंगे। अरे तो दिखेगा कैसे? एक लाइट तो अंदर है, एटलीस्ट ये तो दिखे कि कौन सी डिश कहाँ है। ये जिस सरप्राइज की मैं बात सुबह कर रहा था ना, वो यही था कि मैं नैना के लिए खाना बनाऊं और हम साथ में बैठ के खाना खा सके शांति से। वैसे तो बाहर हम जाते रहते यूजुअली, लेकिन जो घर पे बैठ के शांति से बात करके खाना खाने में मजा है ना। आई एम सो हैप्पी कि नैना को खाना भी बहुत अच्छा लगा। सो मैंने खाना खा लिया, खाना बहुत टेस्टी बना था और इतना टेस्टी बना है कि रजत को अपने असली अवतार में आना ही पड़ा। यार चम्मच से खाने का मजा नहीं आता, जो मजा हाथ से है ना वो भी। और मुझे ये बताओ कल सुबह तक खाते ही रहोगे? सर ऐसे होता था कि मैं रजत के बाद मैं बचती थी खाना खाने को, आज रजत खा ही रहा है। हर हाल में तुम ही जीतते हो। राइस सर मैंने ठूस ठूस के खत्म कर दिए। वेरी गुड। बहुत भूख लगी थी, लग रहा है पता लग रहा है। तुम क्या कर रही हो? मैं अभी स्वीट डिश का बंदोबस्त कर रही हूँ। दूध गर्म करने लगा दिया है, अब इसने उसमें फेनिया डाल के खानी है। खाऊंगी, क्यों ना खाऊं मैं। आपको पता है मुझे ना दूध जलेबी खाने का इतना मन था ना, और जब मैंने देखा कि हम जलेबी नहीं लाए इतना बुरा लगा मुझे। मुझे ना कल से रजत कह रहा था कि नैना बता तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए, और मैं यही बोल रही थी मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मुझे ना अभी ऐसा एहसास हुआ कि ऐसे जो गिफ्ट्स लाके दिए जाते हैं उससे ज्यादा अच्छा गिफ्ट होता है टाइम, क्वालिटी टाइम जो हम साथ में स्पेंड करते हैं। अभी रजत ने मेरे लिए खाना बनाया, इट वाज सच अ स्पेशल फीलिंग। फिर उसके बाद हम खाना खाते हुए साथ बैठे हैं, इतने अच्छे से हमने टाइम स्पेंड किया। आई गेस यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है और आज के टाइम में यही सबसे महंगा गिफ्ट भी है पाने के लिए, वरना मिलते कहाँ है ऐसे ऐसे टाइम और गिफ्ट भी। सो आई फील आई एम वेरी लकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये व्लॉग देख के मजा आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग।